प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उससे पहले उन्होंने भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निचले स्तर पर जाकर राजनीति करने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने परिवार को लेकर अन्य दलों पर हमला बोला। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के तहत जहां एक ओर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की तो वहीं बूथ विजय सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ाया। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर मंत्रोच्चारण के बीच बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और विधिवत अभिषेक और पूजा अर्चना की। दिसंबर महीने में ही भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। नए कॉरिडोर में गंगा घाट तक मंदिर से सीधी पहुंच बन गई है और मंदिर प्रांगण पहले के मुकाबले भव्य और दिव्यता के साथ श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ पदाधिकारियों के साथ बूथ विजय सम्मेलन में संवाद कर विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह देश के लिए गरीबी और अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। पिछली सरकारों में हालत ये हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे, मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी, महादेव की काशी को भू माफियाओं ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। काशी में घाटों पर मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे। आतंकी बेखौफ थे क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की घोर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होने दिया। जब ये घोर परिवारवादी सरकार में थे तो यूपी के विकास के लिए गरीबों के लिए हम जो भी काम लेकर आते थे उसमें ये अड़ंगा लगा देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए हैं और जीवन की आखिरी सांस तक अनवरत चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 100% लाभार्थियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। जब ऐसा होगा तो न तुष्टिकरण की कोई संभावना होगी न किसी भेदभाव की। मैंने लाभार्थी योजना के सैचुरेशन की बात की है। सैचुरेशन का मेरा मतलब है जो हकदार है वो हकदार का 100% लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। कोई 80-90 नहीं 100%। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है गरीब कल्याण के लाभ की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। बूथ विजय सम्मेलन में वाराणसी की 8 विधानसभाओं 33 मंडलों लगभग 3,361 बूथों के 22,000 से अधिक बूथ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जहां स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा भाव का पाठ पढ़ाया तो उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश रहा है। हम चुनाव जीतते हैं लेकिन साथ ही लोगों का दिल भी जीतते हैं।